बचाने के लिए दो दिन पूर्व हुई चोरी का पन्ना पुलिस ने किया खुलासा। 10 लाख नकदी रुपए के सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अभी भी कई बड़ी छोटी चोरियों का नहीं हो सका है खुलासा। पन्ना पुलिस अधीक्षक ने कहा, चुनौतीपूर्ण था इस चोरी का खुलासा करना। पन्ना जिले में विगत 6 माह से बढ़ रही चोरियों से पन्ना पुलिस की नाक में चोरों ने दम मचा दिया था और पन्ना पुलिस भी हैरान हो गई थी। पन्ना में सिविल लाइन स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बगल में 2 दिन पूर्व हुई 10 लाख की चोरी पन्ना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो गई थी। पन्ना पुलिस ने जल्दी काम चालू कर इस चोरी का खुलासा कर दिया, जिसमें 10 लाख रुपए नकदी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पन्ना पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये चोरी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो गई थी और हमने इस चोरी में जल्द ही खुलासा कर लिया। उन्होंने बताया कि बैंक के स्टाफ में 2-3 दिन पूर्व से एक कर्मचारी नहीं आ रहा था। पूछताछ करने पर पता चला तो बैंक का ही कर्मचारी आरोपी निकला, जिसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ एनजीओ के बैंक की तिजोरी के साथ रुपए भी लूट लिए थे, जो कि तिजोरी मंडला घाटी से प्राप्त हुई थी। साथ ही उन्होंने ऐसी चोरी शहडोल में भी की थी। पन्ना पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है। पन्ना पुलिस अधीक्षक ने पुरानी चोरियों के लिए भी जल्द खुलासा करने के लिए कहा। अब देखना होगा कि पन्ना पुलिस पुरानी बड़ी चोरियों का कब तक खुलासा कर पाती है, या फिर ये सब चोरियां जांच पर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल, ये दिनांक 4-5 के दरमियानी रात को ग्रामीण कोटा कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस की, इसके पन्ना स्थित ऑफिस में करीब 10.5 लाख की चोरी, जिसमें चोर ने दरवाजे पर सुराख करके, छोटे छोटे सुराख करके चोरी खोल के और एक बड़ी तिजोरी जिसमें रुपए रखे थे उसको उठा के ले गए थे, जिसके आधार पर तुरंत टीम बना के इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। और जिसमें सर्वप्रथम हमको संदेह कर्मचारियों पे था, कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिसमें एक ये तथ्य निकल के आया कि एक दुर्गेश कुशवाहा नाम का कर्मचारी, जो कि विगत 3 दिनों से वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसको इस चीज़ की जानकारी लग गई थी, कटनी से कुछ पैसे निकाल के यहाँ के लोग यहाँ पे तिजोरी में रखे गए। और जब इसके बाद सीसीटीवी फुटेज का भी एनालिसिस किया गया, जो पूरे एरिया में लगे हुए, जिसके आधार पर हमारा जो संदेह था वो और प्रबल हो गया, इसके आधार पर टीम भेज के इसमें उसके कस्टडी में लेने की कोशिश की गई, वहाँ पे नहीं मिला, परंतु हमें मुखबिर सूचना मिली कि वो यहाँ पे कहीं पे घूमता पाया गया, इसके आधार पर उसको कस्टडी में लिया गया। पूछताछ की गई, सर्वप्रथम उसने कबूला नहीं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसको दिखाए गए उसके बाद उसने घटना कबूला, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि उसके साथ 2 अन्य साथी भी इस वारदात में इन्वॉल्व थे, जिनको कटनी जाके टीम को भेज के वहाँ से उनको अभिरक्षा में लिया गया, और उसके साथ साथ वहाँ से जो कैश था उसको भी जब्त किया गया। कितना कैश जब्त किया गया? इसमें करीब 10 लाख कैश हमने जब्त कर रखा। सर, कोई और अन्य जिले की चोरी भी पन्ना पुलिस ने पकड़ी है? बिल्कुल, इसी प्रकार का घटनाक्रम शहडोल जिले में पिछले विगत माह में हुआ था, जिसमें भी करीब 3.5 लाख की चोरी हुई थी। इसी प्रकार का वहाँ पे मोडस ऑपरेंडी इन्होंने ऑपरेट किया था। जब वहाँ से पूछताछ इनके द्वारा की गई तो उस घटना को इन्होंने कबूला है, और उसमें भी हमने कुछ कैश को उनके द्वारा जब्त कर लिया गया। सर, ये सीसीटीवी कैमरों की मदद से शायद सफलता मिली है इस पर? जो बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उसके आधार पर हमको जो फुटेज मिले थे उसके आधार पर हमने, हमारा संदेह प्रबल हुआ था, हम इसमें आरोपी तक पहुँच पाए। कर्मचारियों की संलिप्तता? कर्मचारियों की एक जो मुख्य रूप से दुर्गेश कुशवाहा, इसके ये तो आरोपी ही है, इसके साथ साथ जो अन्य 7 कर्मचारी वहाँ सो रहे थे, अभी तक उनकी संलिप्तता के बारे में कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन हम तकनीकी साक्ष्य और साक्ष्य जुटा रहे हैं, अगर कहीं उसमें सबूत मिलते तो उनके खिलाफ। थैंक यू वेरी मच। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर? कितनी बड़ी सफलता? इसमें हम कम से कम अच्छे समय का रिमांड लेंगे, 3-4 दिन का रिमांड लेंगे, ताकि कहीं अन्य जिले में और कोई चोरी हो तो उसके बारे में पूछताछ की जा सके। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से रहस्यमय चोरी थी, कहीं ना कहीं एक चैलेंज के रूप में पुलिस को मिला था, जिसमें पुलिस सफल होकर निकली। पीवी की चोरी अभी बाकी है, अभी खुलना उसके क्या? बिल्कुल, वो एक उसको भी 3-4 माह हो गए हैं, उसको भी एक बड़ी चोरी थी, जिसके बारे में उस टाइम पे काफ़ी मेहनत की गई, लगातार अभी भी उसके संबंध में विवेचना की जा रही है, और हमको भी उसमें कुछ लीड मिली, जिसमें हम आगे कार्रवाई करें।